सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत तथा एसपी ट्रैफिक महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस सभागार में चालक परिचालक यातायात पुलिस एवं प्रवर्तन सिपाहियों का स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में ट्रैफिक सीओ जयप्रकाश सिंह ने बताया कि शासन के निर्देश पर सड़क सुरक्षा माह अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सभी प्रकार के वाहन के चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण का कैंप लगाया गया है, जिसमें 170 स्कूली बस, रोडवेज बस चालकों एवं परिचालकों का परीक्षण कराया गया। इस कैंप में हर बीमारी के आंख, कान, हार्ट, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हड्डी फिजिशियन डॉक्टर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि विद्यालयों के वाहन चालक, पुलिस लाइन के वाहन चालक, इसके अलावा अन्य वाहनों के भी चालकों का इस शिविर में स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। उन्होंने कहा कि यदि इस स्वास्थ्य परीक्षण में अनफिट पाए जाते हैं तो उनका ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किया जाएगा और वाहन चलाने से प्रतिबंधित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनहित में जो भी वाहन चल रहे हैं उनको ऐसे चालक चलाएं जो शरीर से स्वस्थ हो, फिट हो और किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो, जिससे किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना होने पाए। इस अवसर पर टीएसआई मनोज कुमार राय, अरुण कुमार पांडे सहित अन्य डॉक्टर एवं ट्रैफिक पुलिस मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ ट्रैफिक जयप्रकाश सिंह ने कहा, नीचे वाला जीनी है 7 2 6 4 7 9 3। वही लाइन उल्टा प्रेज सड़क सुरक्षा माह जो है 5 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक चलेगा। इस शासन की मंशा के अनुरूप ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में सभी प्रकार के वाहनों के जो चालक हैं उनका स्वास्थ्य परीक्षण कैंप पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस में लगा हुआ है, जिसके तहत अब तक करीब 170 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण चालकों का हो चुका है और हर प्रकार के डॉक्टर यहाँ उपलब्ध हैं, जो आँख के भी हैं, हड्डी के भी हैं, फिजिशियन भी हैं, हार्ट के भी हैं, ब्लड प्रेशर और शुगर भी चेक हो रहा है, तो हर तरीके से उनका स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा है। इसमें विद्यालयों के जो भी वाहन हैं उनके चालक सम्मिलित हैं, पुलिस लाइन के जो वाहनों के चालक हैं वो सम्मिलित हैं और अन्य भी वाहनों के चालक जो आए हुए हैं उपस्थित हैं, उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है कि यदि इनमें वो इस स्वास्थ्य परीक्षण में अनफिट पाए जाते हैं तो उनका जो है ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कराया जा सके और उनको वाहन चलाने से विरत किया जा सके। क्या उद्देश्य? इसका उद्देश्य यही है कि जनहित में जो भी वाहन चल रहे हैं
उनको वैसे चालक चलाएं जो बिल्कुल शरीर से मस्तिष्क से स्वस्थ हो, दक्ष हो और किसी प्रकार की कोई रोग या बीमारी उनको न हो, जिससे किसी प्रकार की कोई दुर्घटना न होने पाए।